चलिए सलाउद्दीन भाई, आप मोमिन हैं? हाँ भाई, मैं मोमिन हूँ। तो बात ये रही कि नमाज उमाज पढ़ते मैंने हो? आपके, अरे भाई हाँ भाई, मैं 6 टाइम कोई की सूरह नमाज इधर पढ़ता सुना हूँ। सकते हैं? हाँ भाई, 6 मतलब तो सुना दीजिए। लग रहा है मैं सेफ हूँ। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अलहमदिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन। आमीन। ओके अच्छा, सलाउद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, जी सलाउद्दीन भाई, आप नमाज जब पढ़ते हो तो हाँ पढ़ता हूँ। आपको किस तरफ अपना चेहरा रखना पड़ता? देखिए भाई, हमारा तभी क़िबला होता है, तो आपको वैसे पता होगा तो इस्लाम की हिस्ट्री में दो क़िबले रह चुके हैं। हालांकि क़िबला मस्जिद नहीं, मैं अल-अक्सा पहले की का नहीं तरफ पूछ था। रहा हूँ, वो सब मुझे मालूम है। नहीं, मैं आप बता रहा हूँ, मतलब आपको मालूम है तो दूसरों को भी मालूम होना चाहिए ना, नहीं, उससे जो फर्क साथ नहीं में पड़ता लाखों ना, लोग देख रहे हो। उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यू आप मीन कोई कि जितने भी अभी लाखों लोग देख रहे हैं अभी उनसे मतलब फर्क नहीं पड़ता है आपको, कि वो कुछ भी मतलब सलाउद्दीन उनको मिल रहा है भाई, कि नहीं? पहले जी बताइए। एक बात सुनो, ब्रेक लगाने आता हाँ हाँ बताइए। आता है ना, तो थोड़ा ब्रेक लगा लगा के बात करो, ठीक है? मसला ये नहीं है कि पहले किबला क्या था और बाद में क्या हो गया, ठीक है? मसला ये है कि अभी आपको किधर फेस करके नमाज पढ़ना है, खुले की तरफ देखते हैं। किबले की। हमारी धरती चपटी है या गोल है? गोल है ऑस्ट्रेलिया। और में ये चीज आपको कुरान में भी लिखी हुई दिखती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके हाँ बारे हाँ में। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो टेंशन नहीं लेने का। अभी फिलहाल अपना जो टॉपिक है उस पे अपने को बात करना है, ठीक है? आपके हिसाब से धरती गोल है, राइट? ओके, एक मिनट रुकिएगा, जरा मास्क चढ़ा लो। पढ़े लिखे हैं आप? अरे हाँ भाई, पढ़ा लिखा हूँ, कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा बैचलर्स हो गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर में। साइंस इंजीनियरिंग में पढ़े? जी ओके, ये इसी तरीके की है धरती अपनी, ऐसी हाँ है ना? हाँ ओके, ये देखिए, हाँ परफेक्ट राउंड, परफेक्ट राउंड तो नहीं है भाई, आप जो दिखा रहे हो वो हाँ परफेक्ट ठीक, राउंड अरे है। ठीक है ना, परफेक्ट राउंड नहीं है लेकिन कुछ इसी तरीके की है ना, या आप सरफेस पे भाई रहते हैं ना हम लोग? मुझे परफेक्ट धरती दिखा दो भाई। हाँ अरे मेरे भाई, हम लोग सरफेस पे रहते हैं ना। हाँ ठीक अब ये है। परफेक्ट का सवाल अपने अल्लाह और रसूलुल्लाह से करना, जब मैं या जब आज के टॉपिक पे सवाल उठेगा, मुझे अरे भाई बताओ। भाई मैं आपसे करूंगा ना। देखिए एक बात बताता हूँ, बात ये क्या रही सऊदी ना, अभी अरेबिया आप है, मेरे, हाँ ये सऊदी अरेबिया है, राइट? आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, राइट? ठीक है, अभी यहां पे आपका काबा है, ठीक है? ठीक है भाई। ओके, ये साइड में ये यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है? एग्जैक्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड। हाँ। मुझे बताओ कि ये यूनाइटेड स्टेट वाला बंदा जब नमाज पढ़ेगा, और चूंकि हम सरफेस पे है, तो वो अगर इस साइड फेस करेगा तो यहां पे जाएगा, उसका ये डायरेक्शन में जा रहा है। इस साइड फेस करेगा तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे पता नहीं स्केल दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक दिख रही है, दिख रही है, बताइए। हाँ है? इस साइड फेस करेगा तो वो ये डायरेक्शन में जाएगा, और नीचे फेस करेगा तो ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? मुझे बताओ कि किबला फेस करने के लिए उसको बनना पड़ेगा मुंह नीचे पैर ऊपर, ऐसा नमाज पढ़ेगा तो जाके वो इधर क्रॉस क्रॉस करके यहां तक पहुंचेगा। जी भाई, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने की है या कर रहे हैं? साहिल भाई एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, आपको मतलब पता भी है मतलब क़िबला कैसे रुख किया जाता है, क्या सीन होता है। अभी आप जो बात बोल रहे हो बहुत ज्यादा इलॉजिकल बात हो गई। पहली बात मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि आप गुमराह कर रहे हो, ठीक है कीजिए, कोई बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ क़िबला मैंने जो बात कैसे बताई नजदीक है वो रुख, देखिए इलॉजिकल है। हाँ एक मैं मिनट बताता हूँ एक ना, सुनो तो सही, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसके मिनट, बाद इलॉजिकल होगी। ठीक है, मैं ये बोल अच्छा रहा हूँ सब क़िबला जो है सबसे नजदीकी है,
ठीक है, आपके हाथ से कौन सा नजदीक है उसके हिसाब से किया जाता है, समझे मेरी क्या बात? क्या करते हैं? नजदीकी नजदीकी जो डिस्टेंस होता है वहां से सिबला रुख तो किया जाता है, ये बात समझे आप मेरी? नजदीकी रुख जहां से भी है, आपको फेस क्या करना है, किबला करना है ना? भाई भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप जो बात बोल रहे हो कि भाई वो नीचे से देखेगा ऊपर से देखेगा, ठीक है, फेस आप किबला क्या बोल रहे करना है हो या नहीं करना है, इस साल सवाल का भाई? जवाब किबला दो। वही तो बोल रहा हूँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपको क्या फेस किबला की तरफ करना है, पर नजदीकी जो डायरेक्शन होगा उस तरफ देखना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कि भाई मतलब देखो कितने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले ये बताओ कि अमेरिका वाला जो है या कनाडा वाला है, वो किसी भी डायरेक्शन में फेस करे, क्या वो किबले को फेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नजदीकी नहीं नजदीकी जो होगा। डायरेक्शन होता है थैंक उसके यू तरफ देखना पड़ेगा। सो वेरी मच, अरे मैं क्या थैंक बोल रहा यू। हूँ वो तो सुनो। रुक जा रुक अरे भाई तो जा सुन तो ले, क्यों चिल्ला रहा रुक है भाई अब मेरे को जा तो बस। रुक जा, ब्रेक लगा ले कंप्यूटर इंजीनियर, ब्रेक लगा मोमेन ले। हाँ, मोमेन है भाई। इतना कंफर्म हो गया है कि इसमें ये अपंगता नहीं है, ये अपंगता नहीं है कि भाई फेस होगा, इसने ये बता दिया है कि फेस नहीं होगा, एट एनी कॉस्ट फेस नहीं होगा, ठीक है। अभी ये बताओ सलाहुद्दीन कि तुम्हारे अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने फिर ये क्यों कहा कि आपको किबले की तरफ फेस करना है या मैं काबे भाई की मैं तरफ क्या फेस बोल रहा हूँ, करना सुनो साहिल भाई सुनो, आप क्या बोल रहे मेरे को, आपका क्वेश्चन क्या था एक बार से रिपीट कीजिए। आपने बताया कि यूएसए या कनाडा में जो बंदा है वो कहीं पे भी देखे तो सिबला की है? तरफ फेस होगा क्या, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक हाँ है, यही था ना आपका क्वेश्चन? हाँ यही मैं था, और क्लियर कर आपने रहा हूँ, कहा कि सारे नहीं व्यूवर्स को होगा। बता रहा हूँ, तो सुनिए मैं क्यों नहीं होगा वो भी बता रहा हूँ, व्यूवर्स आप भी सुनो, ये बात अरे होती है क्यों कि नहीं होगा, आप। सुनो सुनो सलाउद्दीन हाँ सलाउद्दीन, यहाँ पे जो व्यूअर्स है वो बहुत ज्यादा समझदार है, अरे उनको हाँ हाँ मैंने मुझे जब बता, पता, सुन ले भाई, जब हमने उनको बता दिया, उनको अच्छे से पता है कि फेस किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। मुझे ये बताओ, तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह ने जब वो चीज फेस हो ही नहीं सकती तो फेस जब करने के तुम लिए क्यों कहा है? तुम्हारा पॉइंट बोल रहे हो तो हमें हमारा पॉइंट बोलने के लिए भी थोड़ा इजाजत दीजिए, लेकिन आप तुम ऐसे वो में चीज लाइफ क्यों से क्यों निकाल समझाना रहे हो? चाह रहे हो? एक मिनट नहीं भाई सलाउद्दीन, बात ये रही ना कि गलत गलत होता है, सही सच 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 होता है, मतलब आप जब गलत बोल रहे हो तो उसको मैं सच करना मेरा भी तो भाई एक राइट गलत बनता का है। तुमने मेरी बात से अग्री किया, मैं अग्री किस बात से किया कि भाई तुम कहीं, फेस नहीं आपने क्या होगा पूछा? देखो आपने ये पूछा काबे कि की कहाँ तरफ, पे भी देखो, डायरेक्शन फेस नहीं कहाँ पे होगा। भी देखो, आपने क्या बोले, कहाँ पे भी देखो काबे की तरफ डायरेक्शन फेस होगा क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, आप कहीं पे भी देखोगे काबे की तरफ डायरेक्शन फेस नहीं होगा, अच्छा मतलब काबे के तरफ होता है, पर बात ये बोल रहा हूँ किबले के तरफ नहीं होता है, खाबा और किबला देखो इसमें, हाँ, आप किबले, बात ये समझिए, सुनो सुनो मेरी बात एक बोलता हूँ, आप बस 2 मिनट मिनट सुन सुन लीजिए, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी ये पूरी बात खत्म बताओ, करने दो। एक मिनट भाई मैं सुनता हूं, पहले ये बताओ कि इतना कंफर्म है ना कि वो काबे की तरफ फेस नहीं होगा? भाई काबे की तरफ फेस होता है, किबले की तरफ नहीं होता है, काबे की तरफ काबे तुम को काई आपको काबे, फिर किबला सुनो किसको सुनो, कहते हैं? किबला किबला इसको बोलते हैं, काबे के सबसे नजदीकी जो डिस्टेंस होता है उसको डायरेक्शन किबला को किया बोलते जाता हैं, है, डायरेक्शन भाई वही बोल रहा हूँ, सबसे नजदीकी डायरेक्शन जो होता है वो, मतलब क्या होना आप चाहिए किसके? भाई सबसे नजदीक जो होना चाहिए वो, सबसे नजदीक जो होगा वो, मतलब जो काबा से सबसे नजदीक डायरेक्शन होगा वो, मतलब ऐसा काबे नहीं कि को तुम फेस ऊपर नहीं देख करना रहे हो नीचे आपको, देख रहे हो, डायरेक्शन आपका काबा नहीं होना चाहिए? डायरेक्शन काबा होना चाहिए, उसका सबसे नजदीकी डायरेक्शन क़िबला होता है, ऐसा नहीं कि तुम, मतलब अरे देखिए मैं एक मेरे बात बोलता हूँ, मैं एक भाई, बात बोलता हूँ, सुनो मैं कैमरा ऑन करता हूँ, रुक डायरेक्शन, जाओ एक मिनट सलाउद्दीन, भाई एक बताइए। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरे को पेंट ओपन करना पड़ेगा। अरे कर लीजिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या बाय एनी हाँ कर चांस? सकते हो, एक सेकंड फिर मुझे मेरी पेंसिल लेना। मैं कुछ बोलूं? जी भाई बोलिए। हाँ बात समझ गया हूँ, और आपकी ये वही चीज बोलेंगे। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ये वही चीज बोलेंगे जो मेरे घर वाले बोलते हैं। आई नो, ये डिबेट है ना, ये मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी जीत।
फरहान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। साहिल भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो अब आ, हाँ भाई फरहान भाई, भाई आ रही है। चलो मेरी मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई? हेलो, अरे आ रही है। क्या नाम है? सलाउद्दीन थोड़ा रुक जाओ, फरहान भाई को अपना पॉइंट रखने दो। फरहान भाई फटक फटक से अपना पॉइंट रखो। हाँ वो बार बार फटक मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोलना चाह रहे हैं ना इस पॉइंट पे, मैंने अपनी फैमिली से पूरा मतलब ये चीज प्रूव किया था कि ये लोग रॉन्ग है और ये लोग रॉन्ग ही रहेंगे, बट ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं, जो इनका काबा या किबला है वो बीच में सेंटर में है और ये लोग सर्कुलर के फॉर्म में उसकी तरफ सजदा करेंगे, ये यही चीज नहीं को देखिए, साबित कर यही चीज को साबित करना चाहते हैं। बट अगर हम इंडिया से हैं, कोई पाकिस्तान से या कोई कहीं से भी है, वो अगर अपने बैक साइड में नमाज सजदा करेगा, वो कभी भी कॉस्मोलॉजी के हिसाब से काबे तक जा ही नहीं पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, ये तो इट्स मान गए ना, वो इम्पॉसिबल नहीं जा पाएगा, ये तो मान गए सलाउद्दीन भाई, भाई। ये तो आप मानते हैं फरहान ना। भाई सुनिए सुनिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि काबे काबे की तरफ रुख करना और किबले में फर्क होता है, ठीक है? अभी आप एक पॉइंट, तीन पॉइंट है, और ए पॉइंट अरे ए है, पॉइंट किबला बी है। कहते भाई हैं, डायरेक्शन को ही किबला कहते हैं भाई। मैं ये बोल रहा हूँ सबसे नजदीकी डायरेक्शन देखिए ना, इधर है मैं क्या बोलना बताओ, चाह रहा हूँ, सबसे नजदीकी डायरेक्शन से भी आप मुझे काबे मुझे को ये कैसे देखने फेस दीजिए कर सकते आप। हैं? हाँ ठीक है ठीक है, एक बात बताता हूँ, मुझे स्क्रीन शेयर करना है, रुक जाइए, परमिशन मिलेगी मुझे? हाँ मिलेगी, बताओ। प्रेजेंट का बटन है, प्रेजेंट वो करो। एक सेकंड रुक जाओ। यारो मैं आईपैड में हूँ, मेरे को ये प्रेजेंट का तो नहीं दिखा रहा है, माइक कैमरा चैट मोर वो लीव यही आईपैड दिखा वीपैड रहा से है। नहीं होगा, वो लैपटॉप से होता है। ओके रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। लैपटॉप तो भाई, एक सेकंड ऑन करने दो तो मुझे लैपटॉप। साहिल ब्रदर आपको तो बहुत मजा आता होगा। अभी क्या करें, कोई बात मजा ही नहीं, मजा है। अरे तुम्हें पता है, अरे एक बात बताऊं फरहान भाई, तुम्हें बताऊं एक बात, जैद पटेल की जाके वो वीडियो छोड़ो देखना, वो यार, मजे तुम लेते हैं अपना इनके बाजू आर्गुमेंट में। रखो, सलाउद्दीन अरे हाँ रख सलाउद्दीन रहा हूँ, बस अपना एक आर्गुमेंट सेकंड, रखो। लैपटॉप ऑन करने दो, लैपटॉप ऑन करने दो बस। हाँ तो करो ना यार, तुमसे कौन बात कर रहा है, चलो मैं तो साहिल भाई से फटाफट बात कर ऑन रहा करो, हूँ। मैं कुछ सुपर चैट्स ले अरे लेता हूँ। लैपटॉप ओपन करो और अपना आर्ग्यूमेंट रखो कि जो आप बताना चाह रहे, प्लीज। ओके बॉस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है साहिल भाई, फिर मैंने पटेल जैद पटेल की भी वीडियो देखी, तुम जैद पटेल की स्ट्रीम से क्यों भागते हो हर बार? देखो देखो देखो, फिर यही हरकत करोगे तो मैं निकाल दूंगा, कबूतरगिरी करोगे तो भाई जवाब प्लीज दे डोंट। दीजिए ना, जब आप कबूतरगिरी क्वेश्चन पूछ रहे करोगे, हो। आपका जैद पटेल मेरे से भागते फिर रहा है। अरे कहाँ प्लीज डोंट भागा, दिखाइए भागा ना जरा तुम्हारा, प्रूफ, तुम्हारे जैद पटेल, सुनो प्रूफ दिखा तुम्हारे दीजिए जैद ना, पटेल बातों की की क्या बात स्कीम होगी। में, सुनना यार सलाउद्दीन, कबूतरगिरी मत कर। अरे कबूतरगिरी नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हारे पास आर्गुमेंट खत्म हो गया है मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा लैपटॉप हाँ चालू नहीं हो पाएगा। हो गया अब हो यही सब गया करोगे, तुम्हारा हो गया जैद हो गया पटेल हो जो गया है हो गया। तुम्हारे रसूल को पीडोफाइल साबित करके गया यहां से, मानते हो ना तुम्हारे रसूल तो पीडोफाइल है? सुनिए सुनिए, एक ऑफकोर्स बात बोलता हूँ मानते हो पीडोफाइल है आपके रसूल, आपके भाई, वैसे तो आपके मैं नहीं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं एक क्वेश्चन पहले ये पूछता बोलो हूँ, रसूल को पीडोफाइल ब्रह्मा ने मानते हो अपनी कि बेटी नहीं को क्यों मानते हो? चोदा, ब्रह्मा ने अपनी बेटी को फेयरफुली रेप क्यों पीडोफाइल किया, मान ये पीडोफाइल बता मानते हो या नहीं मानते हो भाई, ये डिबेट कहाँ से कहाँ भाई? जा रही है? ये क्योंकि इसके पास अभी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो अब ये सोच रहा है कि किसी तरीके से दो गाली दी जाए इसको और भगा दिया जाए। अच्छा, इसने जो अभी आपको बोला ना, ब्रह्मा ने अपनी सिस्टर के साथ, डॉटर के साथ ये क्यों किया, लोग मुझे भी यही बोलते हैं, मतलब वो मुझे हिंदू बोलने लगते हैं, ये क्या इलॉजिकल है, मतलब अगर आप अपने आप को सही साबित कर पा रहे तो अगले को हिंदू समझ के या अदर रिलीजन समझ के उसको गाली, लोग मुझे हिंदू समझते हैं इवन, ये मेरे साथ ये होता है। इतने इतने बड़े ये लोग मजबूर हो चुके हैं कि इनको बैसाखी के बिना ना इनके अरे रसूलुल्लाह नहीं चल मैं पाए थे, देखो, ना इनका अल्लाह चल पाया है, ना सुनो ये सुनो, मोमिन चल पाएंगे। नहीं नहीं देखो, हम सलाउद्दीन चलेंगे क्या पर हमारे तुम्हारे रसूल रसूल भी चले, पीडोफाइल मानता है क्या नहीं है? तुम्हारे रसूल हूँ, पीडोफाइल है क्या नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं अच्छा क्या ब्रांड तुम्हारे, भक्त हूँ, मैं नहीं एक मानता हूँ, ठीक है भाई, एक बस। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आयशा 9 साल की थी? हाँ थे क्या रसूलुल्लाह 55 साल के थे? थे
एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेगा तो उसको पेडोफाइल बोलते हैं? नहीं, एक बात बोलता हूँ, आपने देखा? अच्छा, सेक्स नहीं किया था? नहीं, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, आपने सेक्स करते हुए आपने देखा? क्या रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ 9 साल में सेक्स किया था या नहीं किया था? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, क्या रसूलुल्लाह ने 55 साल की उम्र में 9 साल की आयशा के? हाँ, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, देखा आपने? ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ यार, एक मिनट फरहान भाई, एक मिनट रुक जाओ। सलाउद्दीन, देखा है साहिल भाई? सलाउद्दीन, पहले ये बोलो, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, बोलो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ भाई, पूरी बात बोल लो पहले। पहले बोलो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं जलेबी नहीं बनाऊंगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं जलेबी नहीं बनाऊंगा। पहले ये कसम खाओ। जलेबी क्या होती है भाई? मतलब मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं करूंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा। तो भाई मैं भी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जब तुम सवाल कर रहे हो तो मुझे भी सवाल करने, मुझे बात करनी है सर। नहीं, एक मिनट फरहान भाई, एक मिनट रुक जाओ। सलाउद्दीन, पहले ये बोलो कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, जो जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सुनिए सुनिए, एक बात बोलता हूँ, आई कैन नॉट टॉक टू यू जब तक तुम ये कसम नहीं खाओगे। मैं अल्लाह की कसम, सुनिए, मेरे खुदा की कसम है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ बोलूंगा नहीं झूठ। ठीक है, ओके, अभी रुको, अभी बस, हाँ, कसम खा ली आपने, रुक जाओ, सुनिए, एक बात बोलता हूँ, एक अंडरलाइन नॉलेज, मुझे जितना सच लगेगा मैं उसी का सपोर्ट करूंगा। ना, रुक जाओ। आपने कहा रसूलुल्लाह पीडोफाइल नहीं है, ठीक है, मेरा सवाल पहले है, क्या रसूलुल्लाह ने 9 साल की आयशा के साथ सेक्स मुबाशरत अम्बिस्त्री किया था या नहीं किया था? आपने अभी कसम खाई है, आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो सुनिए मेरी बात, पहली बात आपने जाके देखा, सवाल का जवाब आपने देखा है, मतलब नहीं किया था या किया था, मेरे देखने या नहीं देखने से अगर आप वाकई में एक मिनट रुको, आप एक कम देखिए, मैं सलाउद्दीन रुक जा, सलाउद्दीन रुक जा, किसी के देखने या नहीं देखने से ये बात साबित नहीं होती है कि इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूं कि मैंने देखा, तुमने देखा या किसने देखा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि वो इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था, इसका जवाब दो। अगर हुआ था तो हाँ बोलो, नहीं हुआ तो नहीं बोलो। Until my knowledge, नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बताइए। नहीं हुआ था, ओके, नहीं किया। अगर मैं साबित कर दूं रसूलुल्लाह ने 9 साल की आयशा के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फिर आप मानेंगे रसूलुल्लाह भाई? देखिए बात क्या होती है ना, पेडोफाइल है ना, 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 ना भाई, आपने कसम खाई है, सुन ले भाई, वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने तो दो, मैं क्या, मैं बोलने तो पहले ही ना 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 क्या कर रहे हैं, मेरे को बोलने तो दो भाई, मतलब ऐसे तुम किसी को ऑपरेट करके थोड़ी बोलोगे, ये डिबेट कहाँ जाता है या फिर ये क्या है, ये डिबेट पॉइंट टू पॉइंट होता है अलाउद्दीन, टेंशन नहीं लेना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल, अभी आपने सुनो, अभी आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह ने सेक्स नहीं किया है, सुनिए सुनिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं क्या, मैं अगर साबित कर दूं तो क्या करो, क्या कहोगे आप? साबित कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आउटकम कीजिए पहले, आउटकम क्या होगा, पीडोफाइल मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप पहले साबित कीजिए बात, आप पहले साबित कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक मिनट सलाउद्दीन, अगर मैं साबित कर दूंगा तो उसका आउटकम क्या है? वही बोल रहा हूँ भाई, आउटकम ये होगा, मैं मेरे पॉइंट को डिफेंड करूंगा। क्या, किस पॉइंट को, कि नहीं किया था? कि भाई नहीं किया था, क्योंकि भाई देखो, लेकिन एक बात बोलता हूँ, एक मिनट के भाई, आप साबित करोगे, देखिए आप साबित करोगे, अगर मैं साबित कर दूं, एक मिनट आप मेरे को गलत साबित करना है ना, मुझे भी, हाँ तो वही बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं अरे सलाउद्दीन रुक जा भाई,
प्लीज ब्रेक लगा, जब मैं दलील दूंगा ठीक है और वो मेरी दलील सही साबित हो जाए, यानी मुद्दा साबित हो गया कि रसूलुल्लाह ने 9 साल की आयशा के साथ हम बिस्तरी की, उसका आउटकम क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं, एक मिनट रुको, अगर तुमने साबित कर दिया कि नहीं किया था तो उसका आउटकम ये होगा कि मैं रसूलुल्लाह को कभी भी फिर पीडोफाइल नहीं मानूंगा क्योंकि उन्होंने बच्ची के साथ सेक्स भी नहीं किया। लेकिन अगर साबित हो, सलाउद्दीन रुक जा, अरे मेरी बात, मेरे भाई मेरी भी बात सुन लीजिए आप, तुम्हारे साइड से क्या आउटकम होगा? हाँ वही तो बोलना चाह रहा हूँ, तो तुम पूछ रहे हो फिर बोल रहे हो रुक जा भाई, एक बार बोल दो मुझे काफी है, मैं ये बोल रहा हूँ पहले आप साबित कीजिए तो उसका आउटकम क्या है। आउटकम ये रहेगा, मैं मेरे पॉइंट को डिपेंड करूंगा, पहली बात पहले जितनी देखिए एक बात बोलता हूँ, जितनी आप बातें बोल रहे हो सही है या गलत है पहले मैं ये देखूंगा, पहले क्रॉस चेक करूंगा तुम सामने लग रहे हो। नहीं देखिए एक बात बोल, बच्चे यहाँ पे तुम है ना ऐसा आम लोगों से बात करने नहीं आए हो कि तुम किसी को भी फंसा दोगे, किसी को कुछ भी बोल के बच जाओगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर साबित हो गया रसूलुल्लाह ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसका साबित हो गया, मैंने प्रूव कर दिया, उसका आउटकम क्या है, तुम क्या मानोगे फिर रसूलुल्लाह के बारे में? भाई तुमने जब प्रूफ किया है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा जो प्रूफ है वो मैं पहले क्रॉस चेक करूंगा, वो गलत भी हो सकता है। और क्रॉस चेक के बाद, एक मिनट, क्रॉस चेक के बाद साबित हो गया कि नहीं वाकई में रसूलुल्लाह ने किया है, फिर वो होगा ही नहीं कि भाई किए उन्होंने, अरे हो गया तो क्या, हो गया तो क्या भाई, होगा ही नहीं, हो गया तो क्या करके, इसकी बात मुझे सोचने की बात ही नहीं है, पहले आप प्रूफ कीजिए। और बात एक बोलता हूँ आपको, एक बात सिखाता हूँ, ये बात से पहले म्यूट करना, बात से पहले जो आप ये कर रहे हो ना कि भाई मेरी सुनो, इट्स नॉट लाइक ए डिबेट, ये डिबेट नहीं है ये, ठीक है, ऐसा है कि तुम ऑपरेस कर रहे हो, आप अपनी पॉल्स को मिस यूज कर रहे हो। एक मिनट, भाई को डर है कि कहीं साबित नहीं हो जाए, तुम्हारे बड़े बड़े मानते हैं, मैं बोल रहा हूँ साबित कीजिए, तुम्हारे बड़े बड़े मानते हैं, एक मिनट रुको, हाय हाय माशाल्लाह भाई, तुम मतलब एक पीपीटी बना के रखते हो, तुम सब बना के रखते हैं, तुम जैसे लोगों को हकीकत दिखाने के लिए। एक मिनट रुको, वल्लाही भाई कहाँ रहते हो साहिल भाई, आप क्या करना है? अरे बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कॉमनली मैं थोड़ी कुछ करूंगा भाई, बच्चा नहीं तो क्या करना है, स्टडीज देखना, ऐसे ही क्या कर रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ भाई, ऐसे मतलब कॉमन क्वेश्चन है भाई, बोल रहा हूँ मैं तुम्हें भाई, भाई बोल के ही गला काटते है भाई। अरे चलो चलो आप करो ना, तुम लोग के भाई बोलने पर भरोसा नहीं आता। अरे कोई ना, तुम्हें हिंदुओं के भाई बोलने पे भरोसा आता है ना? हाँ तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छे रहते। हाँ वही ना, जो ब्रह्मा अपनी बेटी को चोदा था, जो राम सीता को रावण से छिपा के ले गया था, फिर वही तुम्हारे अंदर की, अरे भाई अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इन पॉइंटों को भी इन पॉइंटों को डिफेंड किया ना, अंदर की नफरत आ गई, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, सुनो ये तुम्हारा लास्ट चांस है सलाउद्दीन, अगर तुम फिर से दूसरे रिलीजन पे गए तो परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है, तुमको अच्छे से मालूम है कि अब तुम्हारे पास कोई आर्गुमेंट बचा नहीं है, तो तुम ये पूरी कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से मैं तुमको दो गालियां दूं और उसके बाद तुम यहां से निकल जाओ, ये अच्छा तरीका नहीं है, तुमको एक चीज बताया हूं, थोड़ा रुक जाओ ब्रदर, एक बात बताता हूं मैं, गाली ब्रदर नहीं, जो बोला हूं उस पे याद रखना कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। हाँ हाँ साहिल सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ, मुसलमानों के खिलाफ अपना जहर उगल सकता है, तो अपना तू देख ले ना, इसी से पता चल रहा है तो हिंदुओं की कितनी चाहता है, तो भाई उस पॉइंट को डिफेंड करना, तू क्यों डिफेंड नहीं कर रहा है, ये मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको डिफेंड कर फिर, तू इतना ही लजीज है, तू जब खुद बोल रहा है ये ले भाई, मतलब भाई एक बात बोलता हूँ, तुमने कहा ये तेरे सामने हदीस है, हाँ सुनिए तो सुनिए, नबी दाऊद
2-1, 2-1 सही हदीस। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड द नरेटर सुलेमान सेड और 6 इयर्स ही हैड इंटरकोर्स विद मी व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड। एक बात पूछता हूँ मैं तुम्हें, नरेटेड बाय आयशा है ये, तो सुलेमान सुलेमान ने कहा कि भाई 6 साल में शादी हुई है, ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि 7 साल में शादी हुई है, हाँ। तो भाई आपने अपने पीपीटी में मतलब ऐसे 6 साल में शादी हुई है ये क्यों लिख रहे हो, ये नहीं कि भाई 7 साल। एक मिनट मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है, क्योंकि अगर ये हदीसों को तुम देखो तो अक्सरियत जो हदीस है वो 6 साल कंफर्म करती है, ठीक है। रुको अभी तुमको लाइन लगाता हूं, लगाइए कोई बात नहीं, बस मेरा एक क्वेश्चन का आप जवाब देना। नहीं नहीं क्वेश्चन का नहीं, क्वेश्चन का नहीं, ए रुक जा ये होने के बाद ही, ये होने के बाद ही साहिल मैं बोल रहा ना साहिल, ये देख वैसे तो मुझे भाई बोलना भी मन नहीं। बुखारी 5134 नरेटेड आयशा द प्रॉफिट मैरिड हर व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड एंड ही कंसुमेटेड हिज मैरिज व्हेन शी वाज 9 इयर्स ओल्ड। तो भाई यहाँ पे आयशा आयशा ने खुद लिखा है कि 6 साल में शादी हुई थी, अब यहाँ पे खुद आयशा लिख रहे हैं कि भाई 7 साल में शादी हुई थी, तो ये बात तुम्हें पता होगी कि हदीसें सारी सच नहीं होती, क्योंकि हदीसों में क्या होता है कि अभी तू बार 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 जैद पटेल जैद पटेल जैद पटेल कर रहा था ना। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी तू बार 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 जैद पटेल कर रहा था या नहीं कर रहा था? सुनो सुनो, हाँ बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो साहिल, पहले ये बता कि 9 साल में मैं साहिल मैं नहीं चालाकी नहीं, क्या रसूलुल्लाह ने 9 साल की थी हजरत आयशा की मैरिज कंसुमेट किया था या नहीं किया था? तो मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ साहिल, तुम्हें पता होगा कि सारी हदीसें सच नहीं होती है, थोड़ी नहीं, तो कौन सी इसमें कौन सी हदीस सच नहीं है? क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, इसमें कौन सी हदीस सच नहीं है भाई, मुझे बोलने तो दे पूरी बात, क्यों चिल्ला रहा है, ये इंटरकोर्स वाली हदीस नहीं, सुन ले तो सही भाई, इंटरकोर्स वाली हदीस में क्या प्रॉब्लम है बता? सुनो सुनो मैं एक बात बोलता हूँ, सुन ले तो, सुन तो लो, पहली बात हुआ क्या था कि जब अरेबिक से मतलब जब नरेटर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो टाइम पे भाई ज्यादातर हदीसों में थोड़े मतलब चीजें गलत हो चुकी है, यहाँ वहाँ हो चुकी है, ठीक है, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो आप ये कैसा कह रहे हैं कि भाई ये जो हदीस है इंटरकोर्स वाली वो कंफर्म मतलब 100% ये श्योर है, क्योंकि भाई हर हदीस में ये लिखा हुआ है, सुनिए एक ये सही, अबे हर हदीस में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने कंज्यूमेट किया 9 साल में, कंज्यूमेट कभी होती है? और दिखाइए, ओके, एक मिनट, कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमेट का क्या मतलब होता है बताइए, आप बताओ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है भाई, आप जब जुदाई हो जाती है, सुनो, जब आप शादी करते हो और जब आप जुदाई कर लेते हो फर्स्ट टाइम, तब आपकी मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है, उसको कहते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस कि मेरे को ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको सही लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। नहीं आ रही है मुझे, कंज्यूमेट किसको कहते हैं, मैरिज कंज्यूमेट करना किसको कहते हैं? भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स फिनिश होने के बाद उसे कहते हैं। क्या क्या क्या? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स फिनिश होता है उसे कहते हैं, बताओ आप आगे बताओ। नहीं तो इतना मानते हो कि नहीं मानते हो कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हो तब आपकी मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है? ठीक है, मानते हो ना, पक्का ना? ओके अब रुक जाओ एक मिनट। वैसे भाई एक बात बताता हूँ, कंज्यूमेट नहीं, एक बात नहीं, यहाँ पे जो बात है, अभी आपने कहा ये हदीसे देख लो आप पहले, ये देखो भाई सही बुखारी हदीस नंबर तो बोलने दो, नहीं नहीं एक बात बोलता हूँ, पूरी बात क्यों बोलने, बात कंज्यूमेट पे अभी चली है, आपने ये अग्री किया कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो फर्स्ट टाइम तब आपकी मैरिज कंज्यूमेट होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पूरी बात तो बोलने दो ना, तुम मेरी बात नहीं, पहले हदीस देखेंगे बाद में, हदीस पहले हदीस देखेंगे, ठीक है भाई? तुझे डर क्यों हो रहा है कि भाई मैं कंज्यूमेट का अलग से मीनिंग बोल, हदीस पहले देखेंगे हम, बाद में आप अपनी बात रखोगे। आपने कहा कि कंज्यूमेट मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है फर्स्ट टाइम तो आपकी मैरिज कंज्यूमेट होती है, ठीक है? देखिए इस पे आपने अग्री किया या नहीं किया? सुनिए सुनिए, मैं एक बात बोलता हूँ, कंज्यूमेट
तुम शादी के हिसाब से बोल रहे हो तो कंजुमेट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, आप जाके एक बार गूगल में देखिए। ऐसा क्या नहीं कि होती है बैठे सेक्स कंज्यूम करोगे तो मैरिज सिर्फ कंज्यूमेट कंज्यूम नहीं होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैरिज कंज्यूमेट का क्या मतलब होता है? या मैरिज मैं क्या बोल कंज्यूमेट रहा का क्या हूँ, मतलब? कंज्यूमेट, आप कंज्यूमेशन की बात कर रहे हो तो मैं मैरिज बोल रहा हूँ कंज्यूमेट कंज्यूमेशन का अलग अलग मतलब होते क्या हैं। होता है सलाउद्दीन? मैरिज कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है? मैरिज कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है? भाई ये इसका मतलब ये होता है कि मतलब यूजुअली ये रिफर रिफर कर सकते हो शादी के बाद, ठीक है, तो बोला ऑफिशियली मतलब क्रेडिट हो चुके हैं मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, मतलब क्या ऑफिशियली ये लोग ऑफिशियली इन्हें मतलब एक मुकाम दिया जाता है कि एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दोनों के बीच में हो सकता है, हो सकता है या हो चुका है? हो सकता है। दिखाओ कहां से आपने लिया, दिखाओ प्रूफ कहाँ से लिया मैंने, प्रूफ दिखा रहा हूँ प्रूफ। अभी। मैरिज कंज्यूमेटेड का मतलब होता है कि इनके बीच हो सकता है ना कि हुआ है। प्लीज शो। हाँ तो आप तो आप कंज्यूमेटेड की बात कर रहे थे ना तुमको, हाँ कंज्यूमेटेड, मैरिज तो कंज्यूमेटेड दिखाओ। अरे आप किसी आप क्या बोल रहे थे, कंज्यूमेटेड की बात कर रहे थे आप। मेरे भाई प्रूफ दे अपना क्या कि मैरिज कंज्यूमेटेड का मतलब होता है कि इंटरकोर्स हुआ नहीं है, हो सकता है। भाई, दिखा रहा हूँ एक सेकंड दिखा, मैं बहाने दो, ये दूसरे लैपटॉप से आ रहा हूँ देखना, ठीक है, कहाँ पे एक मैं ये है बंदा ही मजा हमारे आ रहा मोमिन इंजीनियर की इंग्लिश। मैरिज है। अरे तुम भी कंज्यूमेटेड का भाई, मतलब होता है कि इंटरकोर्स हो सकता है। क्या यार, ये कहाँ पे जितनी जगह पे ये लोग पढ़ के आते ना भाई, सबका डिग्री विग्री कैंसिल कर दो। ये हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसी वजह से मैंने कहा था बार बार आप लोगों भाई को तुम कि क्या बोले थे, तुम कंज्यूमेड बोले, तू वो रेफरेंस निकाल। मैं जनता को बोल रहा हूं, तुझे नहीं बोल रहा हूं। मैं इसी वजह से कहता हूं दोस्तों, चाहे चाहे मोमिन इंजीनियर हो, एमबीए किया हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो इस्लाम को दिफा करता है तो वो दिमागी अपंग होता है। एमबीबीएस डॉक्टर साहब के साथ भी मैंने बात की थी, वो वीडियो आप लोग सब लोगों ने देखा। एमबीए वालों से भी बात करते, एक साइंटिस्ट भी आया था, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, वो चेहरे के साथ जो आया था साइंटिस्ट, और ये एक इंजीनियर आपके सामने अभी है। मिल गया रिफ्रेश। हाँ, मैं बस दूसरी आईडी से आ रहा हूँ देखना, भाग तो नहीं जाएगा? मैं नहीं भागूंगा भाई, नहीं मुझे भाग के क्या करना है, बताओ। ओके दिस स्टूडियो इज फुल, स्टूडियो फुल बता रहा है, क्या है, स्टूडियो स्टूडियो फुल फुल? बता एक रहा मिनट, है, जगह बनाता हूँ, जगह बनाता हूँ, बना टेंशन दो नहीं बना लेने दो। का। ओके चलो, इसका डिवाइस कनेक्ट हो गया है फाइनली। हाँ अरे हाँ मैं भाई ये बोल रहा हूँ बता। भाई, तू डर क्यों रहा है, मतलब मैं जब प्रूफ पूछ रहा हूँ प्रूफ बता देना कि भाई दादा ऐसा कहा, तू जैसे पीपीटी अभी दिखा रहा है ऑन दी स्पॉट, मैरिज वैसा वो प्रूफ दिखा दे। कंज्यूमेटेड का मैं क्या मतलब, बोल रहा हूँ भाई, मैं जो तू बात बोला वो पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा मैरिज हूँ। देख खाली बात आज कंज्यूमेटेड, के आज की जगह पे तू मतलब रॉन्ग हो गया, मैरिज आज की जगह पे देख मैं एक कंज्यूमेटेड का बात प्रूफ दे के बताऊँ, सेक्सुअल तू काबा इंटरकोर्स की नहीं जगह होता पे है। काबा की, अब ये लास्ट चांस दे रहा हूं सलाउद्दीन, मैरिज कंज्यूमेटेड का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ नहीं है, हो सकता है। आपने वक्त मांगा था अपना लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए, आपको वो दिखाना है, लास्ट चांस है। ठीक है, भाई एक बात बताओ ना, मैंने मतलब चाहे ये एक बात बता, तू डर क्यों रहा है, जब दैद ने कहा तो एक भाई वो वीडियो दिखा ले, मैं खुद बोल दो देता हूँ फिर पहले भाई, दस ये बात दस बोल रहा हूँ कि चीज भाई 10 चीज तेरे रसूल पीडोफाइल है, अभी साबित हो गया है। 10 तक गिनूंगा, अगर आपने अपना प्रूफ नहीं बताया, जैसे कि आपने अभी कहा था कि मुझे लैपटॉप मेरा कनेक्ट करना है, मैंने आपको वो मौका दिया, अभी 10 सेकंड तक, 10 बार गिनूंगा, 10 तक गिनती करूंगा, अगर आपने नहीं दिखाया है मतलब आपके पास कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है, आपके नहीं रसूलुल्लाह साहिल, मैं पीडोफाइल साबित होंगे। 1, 2, साहिल मैंने ऑलरेडी ये दिख आपका रहा है लैपटॉप स्क्रीन, दिख कनेक्ट रहा किया है है। स्क्रीन, दिख रहा है मेरा, हाँ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यस करो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि जब तुम बोल रहे हो ना कि भाई मैरिज मतलब ज्यादा ऐसे बोल दिए कंज्यूमेटेड तो का बोल दो, मतलब,
सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है ये दिखाना है आपको। ठीक है चलो, हाँ तो अपन विकिपीडिया पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सिविल मैरिज में क्या होता है? मैरिज कंज्यूमेटेड का मतलब, पढ़ो भाई पढ़ो, आप पढ़ो उसमें क्या लिखा है, पढ़ो आप पढ़ो यार आप, मतलब भाई हम तो इंजीनियर हैं, पढ़ो आप दिखा रहे हो, तुम्हें बहुत पढ़ना आता है ना, तुम्हें पढ़ना आता है तो भाई तुम तुम्हारे जबानी से पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। देखो पहले क्या होता है, अपन स्टार्टिंग से जाते हैं, ठीक है। तो इन मेरी ट्रेडिशन पहली दो लाइन पढ़, सुनो सुनो मैं पूरा पढ़ता हूँ भाई, दो लाइन से क्या मतलब, मैं बोलूंगा भाई साहिल इज नॉट ए गे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई तू आखिरी दो लाइन पढ़, तो मैं बोलूंगा ही इज ए गे, इन दोनों में फर्क होता है ना, नहीं होता है क्या? पढ़ भाई क्यों, मतलब बोलना हाँ या ना में बोल देना साहिल, अरे पढ़ होता है या नहीं होता है भाई, क्यों खिलस रहा है, खिलस मत रुक जा, सबर से लूंगा मैं तेरी, पढ़। तो इन मेनी ट्रेडिशन statutes of civil or religious law, consummation of marriage often called simply consummation, okay, is the first, matlab first officially credited act of sexual intercourse between two people following their marriage to each other. Yahan pe ye likha hua hai pehli baar, suno main kya bol raha hu, main wahi bol raha hu, in many traditions and statutes of civil or religious law, yahan pe islam karke likha hua kahin hai nahi, theek hai, to abhi hum jayenge islam pe। अबे गांडू पहले उसका मतलब बता, वो जो लेके आया था, गाली क्यों दे रहा है भाई, तू क्लच क्यों रहा है, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे इस्लाम के बारे में, मतलब बता, गाली क्यों भाई तू गाली क्यों दे रहा है, गाली क्यों दे रहा है भाई, एक बात बता, पहले तू जो लिखा हुआ मैंने गाली दी तुझे, मतलब बता, मतलब बता क्या लिखा, क्या बता रहा हूँ, इन मेनी ट्रेडिशन एंड स्टैचूज, स्टैचूज तो भाई मूर्तियां होती है तुम्हारी, जो राम की भगवान की सीता की मूर्ति होती है वो, और स्टैचूज ऑफ सिविल और रिलीजियस लॉ, ठीक है। देखो 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये इंजीनियर है यहाँ पे जो इधर क्या लिखा है, स्टैचूज, कौन सी मूर्ति वाला स्टैचूज, नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैचूज स्टैचूज जो दूसरे स्टैचूज को रिफर कर रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे रिलीजियस लॉ में, स्टैचूज जो कि मूर्ति होती है हिंदुओं में भाई इंजीनियर है ये, अरे भाई ये गलती हो गई, मेरे से होते रहती है ना गलती, भाई गलती है, जल्दबाजी में स्टैचू करके पढ़ लिया था। अच्छा नहीं नहीं एक मिनट पहले वहां जा वहां जा वहां जा वहां जा वहां जा वहां जा विकिपीडिया में जा और वो फर्स्ट दो लाइन का मतलब बता क्या, वो फर्स्ट दो लाइन जो तूने भाई दोनों के बीच में, हाँ हाँ तो ये है कि बहुत सारे ट्रेडिशंस में होता है रिलीजियस लॉ में कि कंज्यूमेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कि भाई इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है, तो क्यों दिखाया ये, भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें विकिपीडिया में देखो क्यों, अरे भाई ये मेरे को हंसा हंसा के पागल कर देगा, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, मेरी बात रखने दे, इसको ये मालूम नहीं था कि विकिपीडिया का जो मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं उसमें कंज्यूमेशन का मतलब ही टुकाई फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको मालूम नहीं था, अब पढ़ लिया तो खत्म हो गया, उसको लग गया यहाँ तो मैंने इसका विकिपीडिया का आर्टिकल दिखा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हाँ भाई, भाई तो मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यूट करना बंद कर देना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन ले पहले, एक बात पहले खत्म हो जाने दे, अभी तूने जो आर्टिकल दिखाया उसके हिसाब से मैरिज कंज्यूमेशन मतलब द फर्स्ट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया ना, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, हुआ आगे बोलो, हाँ तो तेरे रसूल जो है, मैंने हदीस जो बताई कि 9 साल की आयशा के साथ मैरिज कंज्यूमेट किया था,
तो उससे तेरे रसूल पीडोफाइल साबित हुए क्या नहीं हुए? बताओ अब हदीस है, बताओ एक हदीस बताई तुमने, आपने कहीं बहुत सारी हदीसों में लिखा हुआ है। मेरा प्यारा भाई का कंज्यूमेशन का वो जो इनको जो गलत फहमी हुई थी वो हमने इनकी दूर कर दी है, ठीक है। अब और भी हदीसें देखते हैं। आज मेरा भाई अगर कसम खाया इसने अल्लाह की, अच्छा अच्छा हुआ अल्लाह की नहीं खाया, खुदा की कसम खाया था, ठीक है। तो जो भी असली खुदा है इसके मुताबिक जो भी है उसकी इसने कसम खाई है कि मैं सच्चाई ही बोलूंगा, और इससे ये भी मेरे को कबूलवा लेने का था कि सच्चाई को मैं कबूल भी करूंगा, गलत को गलत कहूंगा। अब ये मैं सारे मोमिनों से ये पहले, जैसे कोर्ट हियरिंग में इस तरीके की कसम ली जाती है वैसा सबसे हम ये कसम लेंगे, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सच को सच एक्सेप्ट करूंगा, जो गलत है उसको गलत बोलूंगा, ये कसम अभी लेना पड़ेगा सबके साथ। ओके, अभी इसको हदीस में बताता हूं। पहली है सही बुखारी हदीस नंबर 5133। Narrated Aisha that the Prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old and then she married with him, then she remained with him for 9 years till his death. ठीक है, consummated आ गया जब वो 9 साल की थी। सही मुस्लिम 3482। Aisha, Allah be pleased with her, reported that Allah's apostle married her when she was 6 years old and she was taken to the house as a bride when she was 9 and when he, the holy prophet, died, she was 18 years old. Sahih Bukhari 6130, narrated Aisha, I used to play with dolls in the presence of the prophet and my girlfriend also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my house, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. ये फतुल बारी का हवाला है। ये कितने, ये मतलब क्या उम्र थी इस टाइम पे जब वो डॉल से खेल रहे थे? मतलब वही 6-9 साल की। आगे है हदीस में बताता हूँ। 6-9 नहीं, मतलब एक, मतलब बताता हूँ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो Nasai, Sunan Nasai 3382. It was narrated that Aisha said, the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. Gudiya se khelti thi meri pyari Aisha bachchi jab 9 saal ki thi aur Rasoolullah ne chote se bachchi Aisha ke saath marriage consummate kiya. Marriage consummate. Ek baat batao, puberty, थोड़ा रुक जाना भाई, मैरिज कंज्यूमेट किया और अभी हमने देखा, भाई ने भी देखा, भाई को भी समझ में आया, मैरिज कंजम्पशन मतलब फर्स्ट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, देखा भाई ने भी कैसे किया, मैं आयशा की तरफ से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ भाई, भाई मैं ये बोल रहा हूँ एवरेज पीबर्टी कब हिट होती है लड़की? भाई 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 भाई, अभी हम लोग, पहले आपने ये कहा था कि हजरत आयशा के साथ रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में सेक्स नहीं किया है। मैंने यहाँ पे ये आपको साबित किया। एक मिनट नहीं, वो आप देखो सलाउद्दीन, अगर वाकई में आपके अंदर भाई इंसानियत है ना, अभी मजाक मस्ती में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। देखो तुमको अभी तक सलाउद्दीन ये लग रहा था, तुम्हारी उम्र भी कम है, तुम शायद अभी अभी तुम्हारी 22 23 या 24 साल होगी, ठीक है, इंजीनियरिंग शायद तुमने अभी अभी कंप्लीट की है। हाँ। तुमको अभी तक ये लग रहा था कि सिर्फ शादी हुई है या रुखसती हुई है, ठीक है, मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, बताओ बताओ, है ना, तुमको ये नहीं पता था कि एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ है, इस वजह से तुमको ऐसा लग रहा था कि यार खाली शादी की है ना तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ शादी में नहीं है, हालांकि शादी में भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहा है, दैट इज अ बिग 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 प्रॉब्लम जो तुमको नहीं पता थी मेरी भाई। तो अगर तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो भाई, तो आपको गलत को गलत बोलना पड़ेगा। नहीं, बात बोलते हैं। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं चाहता हूँ,
ऑब्वियसली मैं मेरा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बोलो। एक एवरेज लड़की को प्यूबर्टी एज 8 से 13 होती है, और ऐसे भी लड़कियां हैं जिसके मतलब 9 साल में प्रेग्नेंट हुए थे, 8 साल में हुए थे, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी अच्छा सलाउद्दीन भाई, भाई देख मैं मजाक मस्ती के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली तुझे जो अभी ये बात हिट हुई है ना, मैं बहुत दिल से और बहुत अच्छे से तुझसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तू अभी अपनी बात, हाँ नहीं अपनी बात रख, तू ये कह रहा था कि 9 या 8 साल में भी बच्ची प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है आगे बोल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब प्यूबर्टी एज हिट हुई है तभी तो किए थे उन्होंने, ठीक है। और क्या? दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, प्यूबर्टी जब एज हिट हुई है ऐसा तब उन्होंने किया, ठीक है। अच्छा और किधर, दूसरी अभी देख अभी देख अभी देख अभी देख सलाउद्दीन, पूरा कुतुबे सित्ता तू उठा के देख ले, किधर भी तुझे ये नहीं मिलेगा कि हजरत आयशा जो है उनको प्यूबर्टी हिट हुई थी या मेंस्ट्रुएशन आ गया था, एक दलील भी तुझे नहीं। और मैं अभी तेरे से एज अ भाई सीरियसली बात कर रहा हूं एकदम, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ चीज तेरे को हिट हुई है। पूरी सही सिहा सित्ता या कुतुबे सित्ता आप जो भी बोल लो, वहां पे आपको किधर भी नहीं मिलेगा कि आयशा प्यूबर्टी तक पहुंची थी। अच्छा एक चीज ये ध्यान में रखना, दूसरी चीज एक ध्यान में दे सलाउद्दीन, कि अभी जो मैंने हदीस बताई है, अच्छा देखो एक अभी देख तेरे को और एक एक मैं हदीस बताता हूँ, और उससे मैं क्या साबित करना चाहता हूँ तुझे वो भी बताता हूँ। तुझे पता है, अच्छा एक बात बता सलाउद्दीन, जब एक लड़की मैच्योर रहती है, ठीक है सुन रहा ना तू सलाउद्दीन? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बताओ बताओ। अच्छा जब एक लड़की मैच्योर रहती है और उसकी जब शादी होती है, मुझे बता कि उसको पता होता है क्या नहीं होता है कि आज मेरी शादी है, आज मेरा वलीमा है, आज मुझे रेडी होना है, शॉपिंग करना है, तैयारी करना है। ये बात, ये बात बताता हूँ, ये बात मालूम नहीं होती है, सुनिए मालूम नहीं होती है। आप जो हदीस बताना चाह रहे हो वो भी मैं बोलता हूँ मैं, ठीक है। मेरा सवाल जो हदीस की बात करने वाले, जवाब नहीं दिया, सुनिए मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। एक जो मैच्योर लड़की होती है जिसकी शादी है और जिसका वलीमा है, क्या उसको ये चीज पता होती है क्या नहीं होती है कि आज मेरा वलीमा है? नहीं नहीं होती है, मतलब मैच्योर लड़की को होती है पर इमैच्योर को नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू, इसने अभी ये भी कंफर्म किया सलाउद्दीन ने कि मैच्योर लड़की को पता होता है कि उसका वलीमा है, उसका उसकी नहीं। भाई कुछ मत बोलो सलाउद्दीन को, सलाउद्दीन अभी मेरे को समझ में आ गया कि ये सच्चाई को ये एक्सेप्ट करके जाएगा, ठीक है लेट्स बी सीरियस। ओके अच्छा सलाउद्दीन तूने अभी ये बात कही है, आई टोटली अग्री विथ यू कि जो इमैच्योर होगा, जो बच्चा होगा एकदम से, उसको ही नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, जो मैच्योर होता है उसको पता होता है। तेरे सामने एक हदीस पेश करता हूँ भाई। वो आप जो हदीस पेश कर रहे हो ये देख, सही बुखारी की हदीस है 3894, इसको देख गौर से सुनना। आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी, फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनु हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया, यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसके वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए, फिर एक दिन, अच्छा ये बात ये अभी यहाँ से गौर से सुनना सलाउद्दीन, फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई, इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, जैसा बच्चे लोग रहते हैं 9 साल में झूला झूलते हैं खेलते हैं, सेम उसी तरीके से आयशा है, बोल रही है मैं सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। हजरत आयशा को मालूम ही नहीं था कि आज उनका वलीमा है या क्या कर रही है मेरी माँ, क्यों बुला के लेके आई है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रही थी या मेरे मेरे मेरा सांस फूला जा रहा था, ठीक है अब वो हाँप भी रही है। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गए, वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी के खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई आई हो, मेरी माँ ने मुझे इन्हीं के हवाले कर दिया, इन्होंने मेरी आराइश की, इसके बाद दिन चढ़ा चढ़े अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए, इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया, मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। अब देख इधर सलाउद्दीन, बाकी हदीसों में हमको क्या मिला,
छह साल की थी, नौ साल में रसूलुल्लाह ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। दूसरी चीज गुड़िया, तीसरी चीज सहेलियों के साथ खेल रही है, झूले में झूल रही है, वलीमा वाले दिन उसको हजरत आयशा को पता ही नहीं है कि आज मेरा वलीमा या क्या हो रहा है, जिससे बिल्कुल बात साबित होती है कि वो नौ साल की बच्ची थी और इमेच्योर थी, उसको कुछ पता नहीं था। अब जो पहला मुद्दा तेरा था जिसमें तूने ये कहा था कि सेक्स नहीं हुआ, वो भी तेरा गलत साबित हो गया, और ये भी साबित हो गया कि आयशा एक छोटी बच्ची थी, इमेच्योर थी। ठीक है, मेरा एक बात पूछता हूँ, साहिल एक बात पूछता हूँ तुम्हें। तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा है, कभी तुम्हारा बुरा माने वो? क्या तुम्हारा बुरा कभी माने क्या तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम छोटे थे? बुरा माने मतलब? मतलब कि तुम आंच में जा रहे हो और तुम्हें बोलते कि भाई जाने दो इसे, रोके नहीं तुम्हें कभी कुछ चीजों? इससे इससे और ये वाला जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इससे क्या रिलेशन है बता जरा? नहीं मैं बस आपको पूछ रहा हूँ कि आपको रोके या नहीं रोके, आप उसका भाई देखो सलाउद्दीन, सलाउद्दीन हाँ या ना में बोल दीजिए, सलाउद्दीन सलाउद्दीन ये सलाउद्दीन एक एक मिनट रुको, ये गलत तरीका है क्या? नहीं है यहाँ पे तुमने जो असल मुद्दा, एक मिनट रुक जा सलाउद्दीन, ये देख ये असल मुद्दा जो तूने रखा था, ये पहला क्वेश्चन जिसमें तूने क्या रखा, देखो असल मुद्दा में क्या रखा, पहली बात तुम काबा की बात करना शुरू किए, ठीक है उस पे भी कर लूंगा मैं भी। मैं काबे की जब बात किया, मैं जब बोला कि सुनो सुनो, मैं जब आपको बोला कि नहीं आप काबे की बात कर रहे हो, सलाउद्दीन सुन ले पहले, सुन ले सलाउद्दीन, काबे पे भी मैं तुझसे भी बात कर लूंगा, लेकिन ये एक मसला जो तूने लाया था अब ये पहले खत्म हो जाने दे। इसी वजह से मैं पूछ रहा था कि मैं साबित कर दूंगा तो आउटकम क्या होगा। अभी तू क्या कर रहा है, जो गलत है उसको गलत नहीं बोल रहा है। हाँ तो मैं एक बात बोलता हूँ, पीडोफाइल है ना तेरे नबी? नहीं नहीं मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पीडोफाइल है क्या नहीं तेरे नबी? अरे जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं भी क्वेश्चन पूछने का मुझे भी हक है ना। मैं मैंने साबित किया ना, 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, पीडोफाइल है क्या नहीं है? मैं इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मम्मी होते तो मम्मी अब्बू दादा उसको सब छोड़ दो, पहले ये मुद्दा पहले खत्म हो जाए। मैं मुद्दा ही खत्म करना, मुद्दा ही खत्म करने वाला हूँ, ये पहले ये नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन चला था, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीडोफाइल नहीं है, क्योंकि भाई जब आयशा के पेरेंट्स ने कुछ बोला है, ठीक है आयशा के पेरेंट्स ने कुछ डिसीजन लिया है, किसी के भी पेरेंट्स होने दो, जब बच्ची छोटी होती है तो किसी के बाप देख के ही किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सलाउद्दीन सलाउद्दीन पहले ये बोलो, नहीं 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 पहले ये बोलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले ये बोलो कि तुम्हारे नबी पीडोफाइल है क्या? नहीं है, नहीं है भाई मेरे लिए, मैं सीधी बात बोलता हूं, नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि भाई देखिए एक बात बोलता हूँ, पहली बात बोलता हूँ, देखो जब आयशा के पेरेंट्स ने जब किया है कि अबे पीडोफाइल पेरेंट्स के देने से मतलब, एक पीडोफाइल एक जो बाप है वो अपनी छोटी बच्ची को किसी पीडोफाइल के पास दे दे और वो उसके साथ सेक्स करे, तो चूंकि उसके बाप ने दिया है इस वजह से उसको पीडोफाइल नहीं माना जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले भाई, क्यों पीडोफाइल का डेफिनेशन क्या है? बात बात पे म्यूट क्यों कर रहा है, एक बात बताओ, बात बात पीडोफाइल की डेफिनेशन क्या है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं भाई मैं तेरे को मौका दे ही नहीं सकता, पीडोफाइल की डेफिनेशन क्या है? नहीं मौका तभी तो नहीं दे रहा ना जब तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम गलत प्रूफ होने वाले हो तो तुम मौका दोगे ना? अरे तेरे को अभी 100 बार मैंने गलत प्रूफ कर दिया है तेरी आंखों के सामने, पूरी दुनिया देखती है, 8,000 लोगों के सामने तू गलत प्रूफ है भाई, तो एकदम अपंग नजर आ रहा है, तेरे को अब भी गलत साबित किया मैंने, किया या नहीं किया सलाउद्दीन? भाई देख सीधी बात बोलता हूँ, पहले ये बोल तुझे गलत साबित किया या नहीं किया? मेरे लिए मेरे बात क्या तेरे क्या तेरे नहीं है? पहली बात, ब्रह्मा ने बेटी को क्यों चोदा, ब्रह्मा ने बेटी चोद क्यों निकला, क्यों निकला ब्रह्मा बेटी चोद क्यों निकला, मेरे को एक बात बता, जब देखो जब खत्म खत्म हो गया, ये है इंजीनियरों का हाल, किधर किधर इसको गलत साबित किया मैंने, मैरिज कंज्यूमेशन का इसको बताया, ये साबित किया इधर के रसूलुल्लाह जो है वो बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया, अब ये भाग रहा है वहां से।
चलो सलाउद्दीन, तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया, अभी तुम घर पे आके सो जाओ। तुम्हारे रसूल जो है पीडोफाइल, तुमने खुद यहाँ पे साबित किया कि एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, तो ऐसे इंसान को ही पीडोफाइल कहते हैं। जाके विकिपीडिया में चेक कर लेना सलाउद्दीन, ठीक है? ठीक है सलाउद्दीन, हेलो, आवाज आ रही है भाई? मैं क्या बोल भाई, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा एंग्जायटी है भाई। तुम जब बोल रहे हो कि ये इस पे क्वेश्चन करना रसूलुल्लाह के ऊपर करना, दूसरी जगह पे नहीं करना। ठीक है, मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि जब आप रसूलुल्लाह बोल के रहे हो, ऊपर करना। सुनो हाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप बोल रहे हो ना कि भाई मतलब 6 साल की बेटी के साथ, मतलब 6 साल की मतलब बच्ची के साथ उन्होंने किया है, ठीक है, 9 साल तो ये की, गलत है। नौ 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 साल की साल बच्ची, की ठीक है, 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने किया है तो ये क्या गलत किया, है। क्या किया, हाँ, क्या आप बोल किया? रहे हो ना कि भाई हम बिस्तरी किए, तो मैं ये पूछ रहा अच्छा, हूँ कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम बिस्तरी को? सुनो सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ इंग्लिश कि ये जो बोल रहे हैं में ना, क्या नहीं बोलते मैं हैं क्या आप बोल रहा बिस्तरी, हूँ समझ भाई, में नहीं एक आती बात है। बताऊँ, एक सुनो मिनट, सुनो 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 सुनो, एक मिनट मैं एक बात सलाउद्दीन, बताऊँ। नहीं 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 सेक्सुअल नहीं इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल ओके, इंटरकोर्स तुमने कह रहे हो कि ये गलत है, ठीक है, नहीं गलत है करके नहीं। पहले तो तुम ये मान नहीं रहे थे कि तुम्हारे नबी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। पहले 8,000 लोगों के सामने आप बोलोगे कि मैं जो मुद्दा लेके आया था कि मेरे रसूल ने एक बच्ची के साथ सेक्स नहीं किया है, वो मैं गलत साबित हुआ। पहले आप ये बोलो। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, मैं एक बात पूछता हूँ मैं आपको, जब तुम बोल रहे हो कि इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि वो गलत था या सही था। आपने पहले ये बोलना है कि मैं जो मुद्दा लेके आया था कि मेरे नबी ने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया था, ये मैं मुद्दा लेके आया था, इसमें मैं गलत साबित हुआ। पहले ये मैं बोलो। गलत साबित क्यों हुआ भाई? मैं गलत साबित हुआ ही नहीं, हो सकता है हदीसें गलत है, पर मेरे अच्छा ये बता और सलाउद्दीन, एक बात भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सलाउद्दीन, नहीं, अभी तेरा ये मुद्दा भी तेरे को मैं सही करके भेजता हूं। पहले ये एक ही बता, बात भाई, भाई टाइम हाँ ये धीरज भाई ने सही कहा है, थोड़ा पानी भी नहीं पी लो। पहले ये बता कि इस एक्ट को, एक 55 साल के आदमी का 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, इसको तू सही समझता है या गलत समझता है? ब्रह्मा ब्रह्मा बेटी चलो गाइस, साबित हो गया कि इंजीनियर भी दिमागी अपंग होता है, और इनको ये ऐसे दिमागी अपंग लोगों को आप कितना भी बता लो, ये गलत को गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके दिमाग में अपंग लगा है। और जितने लोग देख रहे हैं, सोच लो कि आपके सामने भी अगर इंजीनियर है, मोमिन इंजीनियर, तो उसको दिमाग वाला मत समझना, गलती मत करना ये।